नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी अकाउंट डिटेल से। अगर आपके पास एटीएम नहीं है तब पर भी आप जो है इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई का क्रिएट कर सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पासबुक की मदद से और एटीएम कार्ड के डिटेल की मदद से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप उसे यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास एटीएम नहीं है वो कैसे यूज करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। सिर्फ अकाउंट डिटेल की मदद से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और चलिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, वहीं पे सारा कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा। सबसे पहले जो है प्ले स्टोर से योनो एसबीआई ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसे ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट कस्टमर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए तीन स्टेप में आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा, यानी कि अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको दे देना होगा। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट बटन पे आप जो है क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो आप जो है रिसेंट ओटीपी पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद पे देखिए रिव्यू यूजर डिटेल। तो यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट, तो यहाँ पे व्यू ट्रांजैक्शन राइट है, लिमिट ट्रांजैक्शन राइट है या फुल आपको ट्रांजैक्शन राइट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फुल पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें फुल ट्रांजैक्शन राइट चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल, तो यहाँ पे आपको जो है अपना मनपसंद जो है यूजर नेम आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप यूजर नेम बना देंगे, कोई भी आपका नाम भी हो सकता है यूजर नेम। उसके बाद अल्फ़ाबेट में कुछ अंक डाल के भी आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है, अपना मनपसंद आप पासवर्ड दे सकते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर में रहना चाहिए, उसके बाद अल्फ़ाबेट में रहना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल भी रहना चाहिए, कुछ कैपिटल और स्मॉल में भी रहना चाहिए। ये पासवर्ड इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद आप कन्फर्म बटन पर जो है आप क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल रेफरेंस नंबर, तो ये जो रेफरेंस नंबर है आपको 7 दिन के अंदर में जो है ब्रांच जाना पड़ेगा। इस रेफरेंस नंबर को लेके वहाँ पे आपको जो है बैंक मैनेजर अप्रूवल दे देंगे कि आप जो है इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जो है आप योनो एसबीआई को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर फिर से आप जो है इंटर योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे जो यूज़र नेम आप दिए थे वही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा और उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड आया होगा, तो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुल एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन योनो। उसके बाद आपको जो है नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा गेट टू योनो होम, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपसे सिस्टम पूछता है कि सिंस दिस इज योर फर्स्ट विजिट हियर, यानी कि अगर फर्स्ट विजिट है यानी कि फर्स्ट बार इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं तो आपको चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड टू प्रोसीड, यानी कि जो भी आप अभी तक जो है पासवर्ड बना है उसको आप चेंज कर लीजिए। तो यूजर नेम आप दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ पे फिर से दोबारा पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे आप
क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद तो आप यहां पे देख सकते हैं सक्सेसफुल यू हैव सक्सेसफुल चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। उसके बाद यहां पे आपको योनो ऐप्स कहेगा कि आप कि बार बार जो है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कितना बार आप लॉगिन करेंगे, और उससे बेहतर है कि आप एक पिन बना लीजिए जैसा कि एटीएम का होता है। एटीएम की हालाँकि 4 ही अंक का पिन होता है, यहाँ पर आपको 6 अंक का जो है एम पिन सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए सेट एम पिन पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। रीड करने पे यहाँ पे आप सही का निशान लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ का पासवर्ड यहाँ पे सेट न्यू एम पिन पे दे देना होगा। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए री इंटर न्यू एम पिन में भी वही आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, बटन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ प्रोसेस होने के बाद आपका जो है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर, यानी कि आपका जो कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, अब जो है आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है योनो एसबीआई का जो डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिजली बिल पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, पासबुक निकाल सकते हैं। तो जितने भी सारे टॉपिक मैंने आपको बताया पे जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहे तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते, डिपॉजिट भी कर सकते, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आपको अगर लोन लेना है तो लोन भी आप ले सकते हैं, और इंश्योरेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ अकाउंट डिटेल की मदद से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको जो है थोड़ी मोड़ी आपको मेहनत करना पड़ता है और ब्रांच भी जाना पड़ता है। अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो है इंटरनेट बैंकिंग को जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम है तो आप चाहते हैं कि बैंक यानी कि ब्रांच नहीं जाना पड़े, तो घर बैठे जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो है आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ रजिस्टर विथ एटीएम डिटेल से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि विथ रजिस्टर अकाउंट डिटेल्स इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ भी सवाल हो आपके मन में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो नीचे आपको मिल जाएगा लिंक इंस्टाग्राम का, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके बातचीत कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।